ये सोचना सिखा दिया कि अपने लिए नहीं औरों के लिए भी हमें जिंदा रहना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तमाम मुल्क के बच्चों ने ऐसा जज्बा दिखाया जिससे सुमैरा जैसे बच्चों को एक नया मुस्तकबिल मिल सकेगा। डॉक्टरों ने बताया है कि सुमैरा को जर्म सेल ट्यूमर है और इसके इलाज के लिए रेडियोथेरेपी तजवीज की गई थी। तैयार नहीं थे लगवाने को क्योंकि हमारे सामने एक आदमी ने बिजली लगवाई थी वैसे ही फौत हो गया था। अल्लाह ताला ने कोई इसकी जिंदगी का सबब बना दिया। डॉक्टर नाहिद उस्मानी साहब का हमें पता लग गया, वो अपने वाकफ निकल गया। जब मैंने सुमैरा को देखा तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा शौक था क्योंकि उसका रंग बहुत पीला था, उसे चला नहीं जा रहा था, वो मुस्तकिल तकलीफ में थी, उसके लिए लेटना बैठना हर किस्म से डिस्कम्फर्ट था, तो वो आराम नहीं उसे मिलता था, वो बेतहाशा रो रही थी। शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टरों ने मुआयने और तश्खीस के बाद ये फैसला किया कि सुमैरा को इलाज के लिए कीमोथेरेपी दी जाए। कैंसर का इलाज पूरे खानदान पर एक बहुत बड़ा माली बोझ होता है और यूसुफ खान से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। कोई भी वालदैन ये नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो किसी भी तकलीफ में जाए, ये तो कैंसर है, तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जान सुबह दोपहर शाम जो उन्होंने इस बच्चे के लिए वक्फ किया होगा। उन्होंने फिर कहानी सुनाई कि इस दो ऑपरेशन में उनके 14,000 रुपए खर्च हो चुके थे और क्योंकि बाप ने इसकी बीमारी में काम बहुत कम कर दिया था तो उनके पास कोई पैसे नहीं थे। देखो मैं एक रिपोर्ट है, एक डॉक्टर कहते इसको कैंसर है, दूसरा कहते नहीं है, तीसरा कहते हैं चौथा कहते हैं नहीं है, तो डॉक्टरों को भी कसूर है या रिपोर्ट लिखने वालों को कसूर है, साफ तौर पे क्यों नहीं लिखते। अगर आज लोगों से पूछा जाए कि कैंसर क्या है तो जवाब कुछ इस तरह से मिलेगा। सबको नहीं पता कैंसर क्या चीज है, बहुत मौजूदी बीमारी है जिससे इंसान मौत पर कह सकते हैं, इसके बगैर मशीनरी जो है वो इंसान की खत्म हो जाती है, जो कि मतलब इंसान के जिस्म में फैल जाते हैं और वो उसको ऐसे चाटते जैसे दिमाग की तरह लकड़ी चाटी जाती है, मोहताज हो जाता है। Well, cancer is affecting the hormones of the blood. तो ये इतनी अजियतनाक बीमारी है कि जो ऊपर वाला आदमी है ना देखने वाला मरीज को वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आदमी है ना देखने वाला मरीज को वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या नहीं पता है हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है बहुत मिलियन और मिलियन सेल्स की। कैंसर वो चीज है कि एक सेल आपका बढ़ना शुरू हो जाता है और वो बढ़ता जाता है रुकता नहीं, उसको कैंसर कहते हैं। अस्पताल की खुलने में अब सिर्फ 5 हफ्ते रह गए। राजा चौधरी अपनी सारी टीम के साथ बैठकर ये तय कर रहे हैं कि आने वाले मुकाबलों का सामना किस तरह किया जाए। हॉस्पिटल में दो चीजें होती हैं, एक तो उसका बहुत टेक्निकल पार्ट हो गया जहाँ पर डिजीज की डायग्नोसिस हो रही है और डिजीज की ट्रीटमेंट हो रही है, और दूसरा इसका वो हो गया जहाँ पर मरीज के रहने सहने और देखभाल करने की सहूलतें मौजूद हैं। जैसे मरीज को वक्त खाना मिलना है, मरीज की बेडशीट चेंज होनी है, उसके कपड़े वॉश होने हैं, और उसके अंदर सारी सहूलतें उसको मिलनी है जो कि एक होटल में मिल सकती हैं।
जब ये सब कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं तो पेशेंट को जो केयर मिलती है वो एक क्वालिटी केयर होती है। मेयारी देखभाल और इलाज मुहैया करने के इस ख्वाब ने शौकत खानम के कारकुनों को दिन रात मेहनत करने पर उकसाए रखा। क्या चला